इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एडिट फीचर में स्वेप कट क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच। स्वेप कट यूज करने के लिए हमें एक 3D पार्ट बनाना होगा, फिर उसमें एक पाथ और एक प्रोफाइल बनाना होगा। रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसे 3D पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए फीचर टूल लगाना होगा, तो फीचर्स पे क्लिक करें, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करें और इसका थिकनेस 20 mm। ओके, हम एक पाथ ड्रॉ करेंगे, तो ये फेस पे सेलेक्ट कीजिए, स्केच नॉर्मल व्यू। स्प्लाइन कमांड की मदद से एक स्प्लाइन ड्रॉ कर लेंगे पाथ के लिए। एग्जिट स्केच कीजिए। पाथ के एंड पॉइंट पे हमें एक प्रोफाइल बनाना होगा जिस शेप में हम स्वेप कट चाहते हैं। पाथ के एंड पॉइंट पे प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमें एक प्लेन क्रिएट करना होगा, तो चलिए प्लेन क्रिएट करते हैं। फीचर्स, रेफरेंस ज्योमेट्री के नीचे एक एरो है, इस पे क्लिक करें और प्लेन पे क्लिक करें। फर्स्ट रेफरेंस में पाथ का ये पॉइंट दीजिए और सेकंड रेफरेंस में ये पाथ सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्लेन क्रिएट हो गया। ओके कीजिए। इस प्लेन पे हम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, तो प्लेन पे क्लिक करें, स्केच नॉर्मल व्यू। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सा एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए। फ्यूचर्स पे क्लिक करें, स्वेप्ट कट पे क्लिक करें। अब आपका स्वेप्ट कट कमांड एक्टिव हो गया। स्वेप्ट कट में मेनी टाइप्स के टूल दिए गए हैं, स्केच प्रोफाइल, सर्कुलर प्रोफाइल और सॉलिड प्रोफाइल। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम स्केच प्रोफाइल देखते हैं। स्केच प्रोफाइल के लिए एक प्रोफाइल और दूसरा पाथ चाहिए होता है, तो यहाँ पे हमने पहले से एक पाथ और एक प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया है। तो पहले हम प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, तो इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कीजिए और दूसरा पाथ। ओके कीजिए। तो ये देखिए स्वेप्ट कट हो गया। नेक्स्ट टूल है सर्कुलर प्रोफाइल। कट स्वीप वन को डिलीट करेंगे और आप चाहें तो इस प्लेन और इस स्केच को भी डिलीट कर सकते हैं। फ्यूचर्स, स्वेप्ट कट, सर्कुलर प्रोफाइल। सर्कुलर प्रोफाइल में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक पाथ ड्रॉ करना होता है और फिर
उसका डायमीटर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करते हैं। तो हम पाथ सेलेक्ट करेंगे और इसका डायमीटर 12 mm, एंटर, ओके की। तो ये देखिए, स्वेप्ट कट हो गया। आप चाहें तो स्वेप्ट कट में थिन फीचर भी लगा सकते हैं। तो कट स्वीप टू को डिलीट कीजिए, फीचर्स स्वेप्ट कट, सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए, पाथ और इसका डायमीटर 11 mm, एंटर। और यहाँ पे थिन फीचर दिया गया है। थिन फीचर एक्टिव करने के लिए थिन फीचर वाले बॉक्स में क्लिक करें। तो यहाँ पे तीन टूल दिया गया है, वन डायरेक्शन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे थिकनेस इनपुट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हम 2 mm, एंटर, ओके ओके। तो ये देखिए, स्वेप्ट कट हुआ है और इसमें थिन फीचर अप्लाइड हुआ है। ये था स्वेप्ट कट। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।